हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर उमाकांत पांडे, जनरल फिजिशियन फ्रॉम देवरिया। आई वुड लाइक टू शेयर सम ऑफ माय व्यूज ऑन हाइपरटेंशन। अभी जल्दी ही विश्व हाइपरटेंशन दिवस हम लोग मनाने वाले हैं, विच ऑन 29th of September। व्हाट शुड वी नो अबाउट हाइपरटेंशन? हमें इसके बारे में क्या जानना है? ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्यों जरूरी है इसके बारे में जानना, और कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? इन्हीं सब कुछ बातों पे हम अभी डिस्कस करेंगे। हम चीजों को बहुत ही सिंपलीफाइड में बताना चाहते हैं ताकि आम आदमी भी इस बात को समझ पाए। ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज होती है जो हर इंसान के शरीर में होती है, और इसका अर्थ ये होता है कि जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है तो हर बार पंप के समय जो ब्लड होता है वो हार्ट से उसके आर्टरीज में जाता है, और आर्टरीज के दीवार पे एक प्रेशर जनरेट करता है। इसी प्रेशर को कहते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हर इंसान का घटता बढ़ता रहता है समय के साथ, इमोशंस के साथ, एक्सरसाइज के साथ, और वो नॉर्मल भी हो जाता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर सामान्य तौर पे और हमेशा बढ़ा रहे, अब बढ़ा जाने के लिए पहले हमें जानना होगा सामान्य क्या होता है। सामान्य ब्लड प्रेशर हम लोग मोटा मोटा 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी मानते हैं। अगर किसी का ब्लड प्रेशर इसके आसपास रहता है तो सामान्य है, लेकिन अगर किसी का ब्लड प्रेशर हमेशा 140/90 मिलीमीटर मरकरी के ऊपर रहता है, ये हाई ब्लड प्रेशर होता है, और हमें इसके इलाज की आवश्यकता होती है। क्योंकि ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी होती है जिसका कोई विशेष लक्षण नहीं होता है, और इसे अक्सर साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि मरीज को पता ही नहीं होता है कि उसे कोई बीमारी है, और वो इस बीमारी से ग्रसित होता है, और इसके तमाम दुष्परिणाम होते हैं कि अचानक किसी को हार्ट की प्रॉब्लम या ब्रेन की प्रॉब्लम या स्ट्रोक, तमाम तरह की चीजें हैं जो ब्लड प्रेशर संबंधित है, और इसके वजह से कभी कभी जान भी चली जाती है। तो हमें हर व्यक्ति को, स्पेशली अगर कोई लक्षण आ रहा है तो भी, अगर नहीं भी आता है और उम्र अगर 40 साल के ऊपर है, तो उसे हमेशा अपना ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए और उसे मालूम चाहिए उसका ब्लड प्रेशर है कि नहीं है। अगर है तो उसको प्रॉपर इलाज करें। अब समय के साथ, उम्र के साथ, और जो हमारा जीवन शैली बदलता जा रहा है, एडवांस हो जा रहा है, हम लोग मॉडर्न हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, हम लोग विकास की गति को बढ़ाते जा रहे हैं, इसके साथ साथ ये बीमारियां भी हमारे लाइफ में अब आम हिस्सा होती जा रही है। पहले ब्लड प्रेशर उतना नहीं दिखाया जाता प्रायः, लेकिन अब ब्लड प्रेशर बहुत ही कॉमन हो चुका है, और गांव शहरों के साथ साथ गांव के लोगों को भी ये बीमारी अपने चपेट में आना शुरू कर दे रही है। हमें अब ये सोचना है कि हम कर क्या सकते हैं। तो हम दो चीज कर सकते हैं। पहला तो बचाव, कि हमें इससे निजात मिले, ये हमारे शरीर में आए ही ना, और हमारा ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहे। इसके लिए तमाम विधियां हैं, जैसे नियमित व्यायाम करना चाहिए इंसान को। हर इंसान को कोशिश से करना चाहिए कि कम से कम आधे घंटे का एक्सरसाइज प्रतिदिन करे, जैसे कि तैरना, जॉगिंग, रनिंग और एरोबिक एक्सरसाइजेस। अगर डेली नहीं कर सकता है तो कम से कम सप्ताह में 5 दिन करना ही चाहिए। इतना करने से बीपी काफी हद तक मैनेज हो जाती है। दूसरा, स्वस्थ आहार। इंसान को अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। हमारा जो जीवन शैली जो बदलता जा रहा है, हम लोग खाने में तमाम चीजों को खाते जा रहे हैं, जैसे कि तमाम प्रोसेस फूड हैं जिसमें सॉल्ट होता है, नमक ज्यादा होता है, तमाम प्रिजर्वेटिव होते हैं। ये सारे बहुत बड़े कारक हैं ब्लड प्रेशर होने के। तो हम अपने खान पान को स्वस्थ कर सकते हैं, जैसे कि हरी सब्जियां, फलों और होल ग्रेन, समूचा अनाज, अंकुरित चना, अंकुरित तमाम सीड्स होते हैं जो हम खाते हैं, वो अगर हम खाने बढ़ाएं। और आजकल एक प्रचलन में है डैश डाइट। डैश डाइट का अर्थ होता है डायटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, कि ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ऐसा क्या खान पान में परिवर्तन करें कि हमें ब्लड प्रेशर ना हो, और या हो तो दवाओं की कम आवश्यकता पड़े और हमारे खान पान एक्सरसाइज से कंट्रोल हो जाए। तो डैश डाइट वो होता है जिसमें समूचे अनाज होते हैं, फल होते हैं, सब्जियां होते हैं, फैट कम होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ट्राइग्लिसराइड कम होता है, और इन सब चीजों को खाने से हमें काफी हद तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद होती है,
और इवन शुरुआती अवस्था में अगर इंसान है, स्टेज वन हाइपरटेंशन है, तो शायद बिना दवाओं के जीवन शैली बदलने से और खान पान सही करने से भी हो सकता है, कंट्रोल सकता है। और इंसान को अपने आहार में नमक कम करना चाहिए। ज्यादातर जो प्रोसेस फूड हम लोग खाते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव के रूप में और तमाम केमिकल्स के रूप में उसमें सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है, और ये सोडियम हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो हमें नमक बंद तो नहीं करना है, लेकिन नमक अगर हम एक्स्ट्रा खा रहे हैं तो उसे हमें कम करना है, नॉर्मल सॉल्ट कर देना है कि हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। प्रोसेस्ड फूड कम खाएं क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव है, सोडियम है उसमें। एक बहुत बड़ा फैक्टर है वह है स्मोकिंग। जो व्यक्ति धूम्रपान करते हैं उन्हें हमेशा बच के रहना चाहिए, और धूम्रपान को ना करना सबसे बड़ा बचाव है, बहुत बड़ा कारक है धूम्रपान। तो जो लोग धूम्रपान करते हैं वो कतई इस आदत को छोड़ें, और एक ऐसी आदत है जिसका बहुत बड़ा संबंध ब्लड प्रेशर के साथ साथ तमाम हार्ट की प्रॉब्लम से भी है। तो आप धूम्रपान छोड़ेंगे तो बीपी भी कंट्रोल रहेगा, प्लस आपको कार्डियक इवेंट होने की संभावनाएं भी काफी कम हो जाएंगी। इतना तो आपने कर लिया। इसके साथ ही साथ अगर हमें बीपी है और हमको नियमित रूप से ब्लड प्रेशर अपना नजर में रखना है, चाहे डॉक्टर से मिलके या खुद अपने घर पे, आजकल सामान्य मशीनें आती हैं, होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, अपना बीपी देखते रहें, समय समय पर देखते रहें, और आपको लगता है कि आपका बीपी अब नहीं कंट्रोल है अपने फिजिकल एक्टिविटी डाइट एक्सरसाइज को कंट्रोल करने के बाद भी, तो आपको दवाओं की आवश्यकता पड़ सकती है। और दवा भी खा रहे हैं फिर भी नहीं कंट्रोल है, दवा का डोज सेट करना पड़ेगा, बिल्कुल टाइटेटेड डोज। जितने डोज पे आपका बीपी मेंटेन रहेगा वो डोज आपको खाना होगा, और समय समय पे उसकी निगरानी करनी है, क्योंकि ब्लड प्रेशर की दवा खाना जरूरी है, लेकिन उससे जरूरी है कि ब्लड प्रेशर आपकी दवा से कंट्रोल है कि नहीं। बहुत से लोग दवा खा खुश रहते हैं कि हमारा मैं तो दवा खा रहा हूँ, लेकिन दवाओं के खाने के पश्चात अगर ब्लड प्रेशर आपका अनकंट्रोल रहेगा तो आपको प्रॉब्लम्स होंगे ही होंगे। इसलिए आपको दवा के साथ साथ अपना ब्लड प्रेशर का नियमित मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी बात आज के दौर में है मानसिक तनाव। हर इंसान तनाव ग्रसित है, अपने कार्यशैली से लेके, अपने घर परिवार को लेके, अपने जॉब को लेके। तो हमें तनाव को कम करना है, और एक स्वस्थ व्यक्ति को एक स्वस्थ मस्तिष्क भी चाहिए, दिमाग आपका शांत रहेगा, और पर डे कम से कम 6 to 7 hours का डीप स्लीप, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको 6 से 8 घंटे की नींद अच्छी आ रही है तो आपका ब्लड प्रेशर भी काफी मैनेज रहेगा, लेकिन अगर आपका दिमागी तनाव है या किसी कारणवश आपको नींद नहीं अच्छी आ रही है, नींद कमी पड़ रही है, तो इससे भी आपको प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो आपको तनाव बचाने के लिए तमाम विधि कर सकते हैं, घर पे व्यायाम कर सकते हैं, वो भी बड़ा तनाव दूर करने के आदत है। आपको कोई म्यूजिक पसंद है म्यूजिक सुने, या कहीं ऐसी बातों के बारे में बात करें जिससे आपका दिल खुश रहे, तो आप दिमागी तनाव से बचें। और इन सब चीजों से तो आपने बचने की कोशिश कर ली, अगर इसके बावजूद भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर जैसा आपको बताए वैसी दवाओं का नियम से पालन करें। इसमें दवा लंबी चलती है, इसलिए दवाओं के साथ छेड़छाड़ ना करें। अगर आपको बीपी की दवा चल रही है तो दवा नियम रूप से खाएं, बीपी का मॉनिटरिंग कराते रहें, अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें, और किसी प्रकार की तकलीफ, क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत सारी बीमारियों की जननी है, चाइल्ड किलर है, अगर कंट्रोल नहीं होगा तो आगे चल के आपको कार्डियक प्रॉब्लम, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी प्रॉब्लम्स, रेटिनोपैथी, आंख की प्रॉब्लम और तमाम सारी प्रॉब्लम्स इससे होनी है। हम इन सबको रोक सकते हैं अगर हम अपना ब्लड प्रेशर किसी भी तरीके से नियंत्रित कर लें। सबसे पहला तो अपना डाइट एंड लाइफ स्टाइल, खान पान, जीवन शैली बदलिए, नमक को नॉर्मलाइज करिए, अगर कम नहीं करना है तो कम से कम ज्यादा भी ना खाएं, और अगर इसके बावजूद आपका ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल हो रहा है तो नियमित रूप से दवा अपना खाएं, अपना देख रेख करें, और किसी प्रकार का तकलीफ होने पर कोशिश करें कि डॉक्टर संपर्क करें। और होम मॉनिटरिंग की सुविधा बहुत आसान है, बहुत आसानी से उपलब्ध है, हर व्यक्ति अपने घर पे कर सकता है, और उसके बावजूद भी अगर प्रॉब्लम रहती है तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य कर्मी से या डॉक्टर से मिले, और कोशिश ये करें कि ब्लड प्रेशर हमेशा 140/90 के नीचे ही रहे। इसके ऊपर रहेगा तो तमाम प्रॉब्लम्स एंड ऑर्गन डैमेज होगी। तो इसमें दवाओं को पालन करना, नियम से दवा खाना अति आवश्यक है। हम यही सुझाव देना चाहेंगे कि फिट रहें
अस्वस्थ जीवन पाने से बढ़िया कोई लक्ष्य नहीं है हमारे जीवन में। जान है तो जहान है। ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है जिसे हमें मानना होगा। पहले हम लोग मानते थे कि गांव के इंसान को जो खेती किसानी करता है तनाव कम होता है, शहरों में ज्यादा तनाव है, शहरी लोग ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, यहाँ पे लोगों को बहुत ऐशो आराम की जिंदगी मिलती है, फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे पैटर्न बदल रहा है, अब गांव का इंसान भी इस बीमारी से चपेट में आना शुरू कर दिया है। इसलिए अब ये नहीं सोचना है कि हम तो बहुत एक्सरसाइज करते हैं या तो हम तो बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, अगर सिम्टम आ रहा है और या फिर आपको उम्र 40-50 के ऊपर है, या आपकी फैमिली हिस्ट्री है घर में किसी के माता पिता भाई बहन किसी को कोई कार्डिक प्रॉब्लम हुई हो या उनको ब्लड प्रेशर रहा हो, तो ऐसे लोगों को सतर्क रखने की आवश्यकता है। और हम एक विजिलेंट निगरानी करके थोड़ा सा होशियारी दिखाकर और अपने जीवन शैली को बदलकर इस बहुत बड़े बीमारी से बच सकते हैं। और नहीं बच सकते हैं, अगर अगर मुझे सब कुछ के बाद हो ही गया तो हम उसको पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। दिक्कत वहां पे आती है जहां पे जानकारी का अभाव होता है। जैसे बहुत लोगों को लगता है कि मुझे ब्लड प्रेशर पहले था, अभी ठीक हो चुका है। ऐसा नहीं है, ब्लड प्रेशर था, आपको आराम मिला है, लेकिन बिना डॉक्टर के परामर्श के अपनी दवाओं को बंद ना करें। बस एक अपना सूझबूझ के तरीके से और दवाओं के बारे में ध्यान रखकर और अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखकर अपना खुद मॉनिटर करके काफी हद तक हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं, निजात पा सकते हैं। धन्यवाद।